पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये चुल्लू भर पानी है, ये चुल्लू भर पानी है उस सिस्टम के लिए, और ये चुल्लू भर पानी है उस केंद्र सरकार के लिए, ये चुल्लू भर पानी है उन राज्य सरकारों के लिए, और ये चुल्लू भर पानी है उन अंधभक्तों के लिए जो अभी भी आंखों पर धर्म का चश्मा लगा करके बैठे हुए हैं, और ये चुल्लू भर पानी है गोदी मीडिया के उन दलाल दंगाई चाटुकार पत्रकारों के लिए जो अभी भी सवाल पूछने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। ये चुल्लू भर पानी आज इसलिए लाया गया है इस वीडियो में ताकि ये सब लोग इसमें डूब करके मर सके, क्योंकि 5 दिनों में 12,000 से ज्यादा जिंदगियां जो हैं वो मौत की आगोश में सो चुकी हैं, और मौत की आगोश में सो जाने के बाद भी केंद्र की मोदी सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। और आखिरकार हिम्मत दिखाएंगे भी कैसे, क्योंकि आका की तरफ से फोन आ गया है जो 12,000 मौतें हुई हैं इसमें अगर आंकड़ा निकाला जाएगा तो हम तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम तो हिंदुओं की सरकार है, उन हिंदुओं की मौत हो रही है, ये आंकड़ा सामने आ जाएगा। तो आका की तरफ से फोन कर दिया गया कि आप जो है इसका ठीकरा किसी और चीज के ऊपर फोड़े और दर्शकों को ये यकीन दिलाए कि हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार है ये सिस्टम जिसकी वजह से ये मौतें हो रही हैं। आखिरकार सिस्टम को कंट्रोल करने की ताकत किसके पास है, मैं उन दलाल दंगाई चाटुकार पत्रकारों से पूछना चाहता हूं। आखिरकार सिस्टम को मजबूत करने की ताकत किसके पास है, ये भी मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि बीते 7 सालों में आपने सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति की और हिंदू मुस्लिम की राजनीति में लोगों को बांटने की कोशिश की। इस पैंडेमिक एक्ट में आपका हिंदू मुस्लिम का पैतरा भी बुरी तरीके से फेल हो चुका है, क्योंकि जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं वो करारे तमाचे आपके मुंह पर जड़ती हुई दिख रही हैं। क्योंकि 5 दिनों में 12,000 मौतों पर गोदी मीडिया पूरी तरीके से खामोश बैठा हुआ है, और गोदी मीडिया कल पूरे दिन ट्रेंड करता रहा आखिरकार सिस्टम को जिम्मेदार ठहराने के लिए। आप मेरे पीछे स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, उन स्क्रीनशॉटों में तमाम उन चैनलों का हाल है जिसमें आज तक कह रहा है कि सांसें लोगों की अटक रही है, सिस्टम क्या कर रहा है, और यही अमित देवगन कह रहा है कि सिस्टम जिम्मेदार मोदी क्या करे, और यही रोमाना इसरार खान, रूबिका लियाकत और अवस्थी सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आखिरकार ये मोदी सरकार को बचाने का जो पैतरा है ये हुनर कहां से आ रहा है, और इसका स्क्रिप्ट राइटर कौन है? क्योंकि इस पैंडेमिक एक्ट की अगर बात की जाए तो मोदी सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है, और इस वीडियो में आप लोग बने रहिए क्योंकि मैं ये बताऊंगा कि सिस्टम नहीं मोदी सरकार इन 12,000 मौतों की जिम्मेदार है हॉस्पिटल में पूरी तरीके से सुविधाएं ना देने के लिए, केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो हर किसी को रुला दे रही हैं, और अभी भी जो लोग सवाल पूछने की हिम्मत मोदी सरकार से नहीं जुटा पा रहे हैं तो यकीनन उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाने की जरूरत है। क्योंकि लोगों के घरों के चिराग बुझ रहे हैं, एक एक घर में कई कई मौतें हो रही हैं, उसके ऊपर भी मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं, सिस्टम जिम्मेदार है। क्योंकि गोदी मीडिया को तलवे चाटने की आदत है तो वो तलवे बखूबी तरीके से चाट रहा है, पर विदेशी मीडिया किस तरीके से खलनायक बता रहा है नरेंद्र मोदी जी को और उनकी सरकार को कि इस सिस्टम को फेल करने में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का हाथ है। क्योंकि लगातार जो हम देख रहे हैं वो यकीनन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं, और अगर गोदी मीडिया की जुबान की बात की जाए तो वो कुछ और बयां कर रही हैं। अगर दिल्ली देश के तमाम अस्पतालों की बात की जाए तो हमारे पास ना तो हॉस्पिटल में बेड है और ना ही
हमारे पास ऑक्सीजन है जो लोगों की जिंदगियों को बचा सके, और साथ ही साथ पिछले पेंडेमिक एक्ट में जो करोड़ों का पैसा पीएम केयर फंड में आया उसका किस तरह से इस्तेमाल हुआ यह भी आज देश की जनता जानना चाहती है। क्योंकि जब भी पीएम केयर फंड के पैसों के बारे में लोगों ने आरटीआई लगा करके जानने की कोशिश की तो जानकारी सिर्फ जवाब यही आया पीएमओ ऑफिस से कि हम इसकी जानकारी नहीं दे सकते। आखिरकार ये समझ आ रहा है कि सिस्टम क्यों फेल हुआ है, जो पैसों की जरूरत थी वो पैसे वहां लगाए नहीं गए, कहीं और ही खर्च किए गए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि इसके लिए अभी भी सिस्टम जिम्मेदार है तो उन लोगों को आंख खोलने की जरूरत है, क्योंकि इस पेंडेमिक एक्ट में 2020 फरवरी के बाद से ये कहानी चलती रही और जिस तरीके से मुसलमानों को जिम्मेदार बताया गया और मुसलमानों के ऊपर ठीकरा फोड़ा गया, इसके लिए दुनिया भर में आलोचना हुई। आज जिन मुस्लिम देशों की बदनामी कर रहे थे, जिन मुस्लिम देशों को कोसा जा रहा था मीडिया द्वारा और भक्तों द्वारा, वही मुस्लिम देश आज ऑक्सीजन दे रहे हैं। क्या ये अंधभक्त जो मुस्लिम देशों से ऑक्सीजन आ रही है सांस लेना छोड़ देंगे? क्या अपने परिवार वालों को मरने के लिए छोड़ेंगे? ये एक सवाल खड़ा होता है। और सवाल अब दूसरा ये है कि जब पैंडेमिक एक्ट था देश में, इसके लिए तैयारी क्यों नहीं की गई? इसे रोकने के लिए इतनी भयानक स्थिति पिछली बार की तरह दूसरी लहर में क्यों हुई है? इसके लिए सिस्टम नहीं, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार है और खुद देश के प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि इस पैंडेमिक एक्ट के दौरान 6 राज्यों के चुनाव समाप्त कराए गए हैं, और उन 6 राज्यों के चुनावों में जिस तरह देश के प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, उन रैलियों को भी जान लेने की आप लोगों को सख्त जरूरत है, जहां लाखों की तादाद में लोगों को इकट्ठा किया गया और लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए और देश के प्रधानमंत्री इसी गोदी मीडिया के सामने चीख करके कहते रहे कि भैया जहां तक मेरी नजर जा रही है, बस दूर दूर तक ये भीड़ नजर आ रही है, ओ दीदी रे दीदी करने वाले देश के प्रधानमंत्री अब जवाबदेही से क्यों बच रहे हैं और सिस्टम के ऊपर ठीकरा क्यों फोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं? इन रैलियों में जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं वो यकीनन हैरान कर देने वाले हैं, और हैरान कर देने वाले इसलिए भी हैं क्योंकि 6 राज्यों के चुनाव हुए और उन 6 राज्यों में देश के प्रधानमंत्री ने किस तरह ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, उन रैलियों के बारे में जानिए। अगर तमिलनाडु की बात करी जाए, विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में 10 रैली देश के प्रधानमंत्री द्वारा की गई, केरल में 2 रैली देश के प्रधानमंत्री द्वारा की गई, असम में 3 रैली देश के प्रधानमंत्री द्वारा की गई, पांडुचेरी में 1 रैली देश के प्रधानमंत्री लाखों की तादाद में लेकर के पांडुचेरी में रैली करते हैं, और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल इतना खास था देश के प्रधानमंत्री के लिए, 1, 2, 5 नहीं बल्कि 20 रैलियां की हैं। ये तो 5 राज्यों के चुनाव की बात है, बिहार चुनाव की बात की जाए तो 5 रैलियां देश के प्रधानमंत्री द्वारा की गई हैं, और कुल मिलाकर के 6 राज्यों में 41 रैलियां देश के प्रधानमंत्री ने की है, जहां लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। यहां सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की बात कही गई थी, यहां लोगों का हुजूम ना लगाने की बात की गई थी, वहां देश के प्रधानमंत्री लाखों की तादाद में रैलियां करते हुए नजर आ रहे थे, और आज ये सिस्टम जिम्मेदार है तो इसका जवाब कौन देगा? और अब तो गोदी मीडिया के पास वो पैतरा भी नहीं है जब मुसलमानों के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाता था और गोदी मीडिया द्वारा पड़ोसी मुल्कों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता था। अब मुझे और हर एक भारतवासी को शर्म आ रही है गोदी मीडिया की पिछली बार की कैंपेनिंग को देख करके, जहां जी न्यूज का स्क्रीनशॉट आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वहां ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोरोना की मौत मरेगा पाकिस्तान। सोचिए, देख करके इन हेडिंग को गुस्सा आ रहा है, और ये गुस्सा इसलिए भी क्योंकि ये इंसानियत का पैगाम नहीं है। इंसानियत का पैगाम वो है कि जब हमारे देश में लोग मर रहे हैं
तो पाकिस्तान सरकार की तरफ से आह्वान किया गया, वहां की तंजीमों द्वारा ये आह्वान किया गया देश के प्रधानमंत्री को लेटर लिख करके कि हम निस्वार्थ आपके लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों की जिंदगियों को बचाना चाहते हैं। तो इंसानियत का पैगाम वहां से भी दिया गया, पर देश के प्रधानमंत्री अभी तक खामोश हैं और गोदी मीडिया द्वारा एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सिस्टम जिम्मेदार है। मैं कहता हूं कि ये सिस्टम जिम्मेदार नहीं, देश के प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने गोदी मीडिया का वो चेहरा देखा है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हो, देश के जवान दूसरे देश के जवानों को मार दे, तो मोदी है तो मुमकिन है कि नारे चलाए जाते हैं, और आज जब लोग मर रहे हैं तो मोदी जिम्मेदार नहीं है, देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। और जब दूसरे देश के जवान हमारे देश के जवानों को मार देते हैं, तब यही गोदी मीडिया के दलाल, दंगाई, चाटुकार, पत्रकार देश की सेना को जिम्मेदार बताते हैं, ना कि देश के प्रधानमंत्री को। आखिरकार ये जो सिस्टम चल रहा है और ये सिस्टम के खेल में उलझा करके देश की जनता को जो गुमराह किया जा रहा है, इस पर आंख खोलने की जरूरत है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।